महेंद्रगढ़ से गणेश विसर्जन के लिए झांकी लेकर कनेड़ा रेवाड़ी रोड पर स्थित गांव झगड़ोली के पास नहर पर गए लोगों में काफ़ी लोगों के डूबने का बड़ा हादसा हो गया। हादसे के बाद देर शाम तक 8 लोगों को नहर से बाहर निकाला गया, जिसमें से 4 की मौत हो गई। वह 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार महेंद्रगढ़ के मोहल्ला ढाणी गणेश मंडल के सदस्य गणेश विसर्जन के लिए झगड़ोली की नहर पर गए थे, जहां गणपति की प्रतिमा 8 फीट की होने की वजह से प्रतिमा को नहर के बीच पानी में बहाव में विसर्जित करने पहुंचे। इस दौरान जैसे ही उपस्थित लोगों ने प्रतिमा को प्रवाहित किया, वैसे ही 9 लोग प्रतिमा के साथ पानी में बह गए। मौके पर उपस्थित लोगों ने तत्काल बचाव कार्य करते हुए 3 लोगों को बाहर निकाला। तभी मौके पर मेन सड़क से एक NDRF का जवान अपने बच्चे को लेने रेवाड़ी जा रहा था, तो उन्हें मौके पर खड़ी भीड़ को देखकर फुर्ती से 4 लोगों को बाहर निकाला। इसके बाद यह सूचना क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और मौके के अलावा महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हो गई। इस दुखद घटना की सूचना मिलने पर पूर्व शिक्षा मंत्री मौके पर पहुंचे, जिन्होंने नहर विभाग के चीफ से बात कर नहर के पानी को रुकवाया। इसी दौरान महेंद्रगढ़ के लगभग सभी निजी अस्पतालों के चिकित्सकों की सहायता के लिए सरकारी अस्पताल पहुंचे। घटना का पता चलते ही जिला उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक व लगभग सारा जिला प्रशासन महेंद्रगढ़ के सरकारी अस्पताल व मौके पर पहुंचे। अस्पताल में जिला उपायुक्त डॉक्टर जयकृष्ण आभीर ने उपस्थित लोगों को हिम्मत देते हुए कहा कि यह एक बड़ी दुखद घटना है। अभी तक 8 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है, जिसमें से 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 4 लोगों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर देर रात तक बचाव कार्य चल रहा है। उन्होंने शहर के मोहल्ला ढाणी में मुनादी भी करवाई कि किसी भी परिवार का कोई सदस्य अगर गणेश विसर्जन कार्यक्रम में गया हुआ है तथा वह वापस नहीं लौटा है तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दें। इस दौरान महेंद्रगढ़ अस्पताल में अनेक राजनेता, विभिन्न सामाजिक संगठनों के लोगों के अलावा क्षेत्र के अनेक लोगों की भीड़ भारी संख्या में उपस्थित रही।
बताओ कैसे क्या बात हुई है? सर हम यहाँ पे विसर्जन करने आए थे, हमारे कुछ बंगे नहर के अंदर डूब चुके हैं और प्रशासन के यहाँ सिर्फ दो या तीन बंगे आए हैं, प्रशासन लेट पहुँच रहा है, हमने फोन किया हुआ आधा घंटा हो चुका है सर। आपके हिसाब से कितने बंदे थे? सर तीन या चार बंगे अभी लापता है। ठीक, कितने निकल चुके हैं? सर 8-9 बंगे भेज चुके हैं। अच्छा हुआ ये। सर मैं अभी यहाँ रोड से जा रहा था, मेरा भांजा रेवाड़ी आईसीयू में एडमिट है, मैं NDRF 8 बटालियन गाजियाबाद से बिलोंग करता हूँ। सर मैं 2 दिन छुट्टी पे आया था, मेरा गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट गांव खाद का रहने वाला हूँ। सर मैं इसी मार्ग से गुजर रहा था, यहाँ पर लोगों की काफी भीड़ का जमावड़ा था, मैंने मेरी गाड़ी के कपड़े हैं, मैंने मेरी बाइक तरफ खड़ी किया तो मैंने देखा यहाँ पे लोगों से पूछा क्या हुआ तो बोला 8-10 बंदे यहाँ पे डूब रखे हैं। उसी टाइम मैंने मेरे कपड़े वहीं पे निकाले कॉर्नर पे, मैं सीधा छलांग लगा लिया जिसमें 3-4 बंदों को मैंने मेरे हाथों से रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया, लेकिन यहाँ पे अभी 2-3 बंदे मेरे आने से पहले निकाल लिया गया था, लेकिन यहाँ पे अभी तक 8 जवानों को सक्सेसफुल रेस्क्यू कर दिया गया, अभी उनकी नब्ज चल रही है, CPR उनको दे के हायर सेंटर के लिए उनको रेफर कर दिया गया सर। ठीक, जिस प्रकार से हादसा हुआ इस हादसे को लेकिन आज बड़ी दर्दनाक घटना हुई है, विसर्जन करने और जरूरी नहर में बहुत दर्दनाक दुर्घटना हुई है, पूरा शहर शोक संतप्त है। हमारे यहाँ CMO डॉक्टर अशोक कुमार, शुभम यादव यहाँ के SMO, सारे प्राइवेट डॉक्टर जिनको भी कहा प्रशासन से अभी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात किया है और दो बच्चे इस दुर्घटना में हताश हुए हैं, उनके परिवारों को कुछ आर्थिक सहायता दी जाए, दो बच्चे घायल हैं, कुछ जरूरतों की जाए में रेफर किए हैं। पूरा जिला प्रशासन DC SP सब सभी में मैं नहर पर होके आया हूँ, जगरौली गांव पूरा आनावास सुरजनवास मेघनवास ये 3 किलोमीटर का जो नहर का तो लगभग 30 लड़के 2-3 घंटे से नहर में ढूंढ रहे हैं, पंप हाउस लगभग 3 किलोमीटर है जगरौली से, ऐसा हो जाएगा। अगर ये होता तो हम मजिस्ट्रेट भी लगा देते, ये चुपके से जो है ना वहां पे जाके विसर्जन किया। और अभी बताते 8 बच्चों का जिसमें से 4 रेफर किए हुए हैं, 4 हमारे साथ नहीं रहे हैं, ऐसा घटना है डॉक्टरों का, फिर भी जो है ना उसके ऊपर है, सबको हिम्मत रखने की, बहुत बहादुरी से उस वंदना लड़की ने भी बहुत अच्छा जो है ना बचाया है काफियों को, और नहर बंद करवा दी गई थी, उसके बाद अभी भी जवान लगे हुए हैं वो जो है ना मदद कर रहे हैं, कहीं कोई और जो है ना नहीं मिल जाए ऐसा, क्योंकि उनका ये कहना है कि 15-20 बच्चे गिर गए थे एक बार, जिनमें से कई बच्चे वो निकाल लिए थे, अभी 8 जो है ना टोटल मिले हैं, बाकी तलाश जारी है, पानी बंद करवा दिया है, कोशिश में सारे लगे हैं। आप जैसे जवान जो है ना वहाँ कर रहे हैं थोड़ी सी हिम्मत रखें, दुख का टाइम है और पुलिस की जितनी मदद हो वो करें, और कोई जवान अगर वहाँ हेल्प कर सकते हो रास्ता पकड़वाने में, उसमें कई बार ढूंढने में नहीं पता, क्योंकि अभी कोई बता नहीं पाया, गांव में बूढ़ा में कलीना में महेंद्रगढ़ का जो ये अपना मोहल्ला बता रहे हैं इसमें
मुनादी करवाई, कोई बच्चा मिसिंग हो तो बता दे ताकि हम और अदरवाइज उनका ये कहना शायद इससे ज्यादा संख्या नहीं हो सकती। तो आप ये ध्यान रखें सर, क्या डॉक्टर्स की टीम भी बुलाई जाएगी? डॉक्टर की टीम ऑलरेडी है, डॉक्टर साहब है, रेड क्रॉस यहाँ पहले ही मैंने भेज दी थी और वो जो भी हेल्प होगी जो पॉसिबल हो सकती है वो सारी करेंगे। इस वक्त इस हादसे में कितने लोग घायल हुए, कितनी कैजुअलिटी हुई, किस प्रकार से? हॉस्पिटल में 8 जो घायल पेशेंट आए थे जिसमें 4 प्रोडेड थे और 4 की जो कंडीशन थी, हालांकि अभी उनमें ठीक है, स्टेबल है, तो एक को रक्त रेफर किया प्राइवेट में, टोटल 8 पेशेंट आए। 8 डॉक्टर की कितनी क्या व्यवस्था की गई है, जो बाहर से डॉक्टर बुलाए गए? हाँ, सभी जो मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ था सभी, क्योंकि इन इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि कितने इसके अंदर घायल हैं, कितने लोग आ जाएंगे, लेकिन उसको देखते हुए सारा जो हमारा मेडिकल और पैरामेडिकल साथ में जो प्राइवेट के सभी डॉक्टर IMA के और जितने भी जो पैरामेडिकल स्टाफ था सब यहाँ पे हॉस्पिटल में पहुँचे और सबने इसका शेयर किया। कैजुअलिटी कितनी हुई? 4 जो है, 4 बच्चे। सर किस तरह से क्या हादसा हुआ है, क्या सूचना मिली थी? देखिए, आज 9 सितंबर 2022 को जगडोली नहर में गणेश विसर्जन के लिए विधिवत तौर पर 20-22 बालक गणेश विसर्जन के लिए आए थे, इस नहर में बह गए। कितनी क्या बरामद कर ली गई? कार्रवाई करते हुए 9 बालकों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है और तलाश अभी जारी है। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि बहुत तीव्र रफ्तार पर कार्रवाई की गई, इसलिए बहुत सारे बच्चों की मौके से जान बचाई जा सकी। सर किस समय यह हादसा हुआ, कब आपको सूचना लगी? जैसा कि बताया गया है, 6:15 के आसपास ये घटना हुई थी, विसर्जन के लिए गए थे और बहुत ही जल्दी सभी को खबर मिलते ही सभी यहाँ मौके पर पहुँचे हैं। 9 बालकों को हॉस्पिटल पहुँचाया जा चुका है और तलाश टीम के साथ जारी है। सर क्या रेस्क्यू पूरा हो चुका है या अभी रेस्क्यू जारी है? अभी रेस्क्यू जारी है, अभी सर्च कर रहे हैं, जैसे भी कार्रवाई होगी आपको बताई जाएगी। थैंक यू सर।